बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 गाड़ियों को जब्त कर लिया। जब्त की गई गाड़ियों में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के तहत की जिसमें उसने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाने, ऐसी गाड़ियों को जब्त करने का आदेश दिया था। दिल्ली को सांस लेने लायक बनाने के लिए हवा की जरूरत है। रुकी हुई हवा जब तक नहीं चलेगी तब तक दिल्ली में लोगों का दम घुटता रहेगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब भी पराली वाली दलीलों से आगे नहीं बढ़े और चंडीगढ़ में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें लेकर मीडिया के सामने आ गए। पराली जल रही है, ये जितना लाल लाल आपको दिख रहा है ये पराली का जलता हुआ है। मीडिया कर्मी बताते रहे कि पंजाब पराली जलने की घटनाओं से इनकार नहीं कर रहा। एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरे को बीच में प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, आप क्रॉस क्वेश्चन बाद में कर लेना, लेकिन अभी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। केजरीवाल पर पत्रकारों के सवालों का असर नहीं हुआ। दिल्ली के सीएम ने सवाल पूछा कि पराली का धुआं जा कहां रहा है। पराली जल रही है, सैटेलाइट दिखा रही है पराली जल रही है, तो इस पराली का धुआं जा कहां रहा है। दिल्ली के सीएम ये नहीं समझ पा रहे कि दिल्ली का प्रदूषण अचानक खतरनाक स्तर पर कैसे पहुंच गया। अचानक 25 अक्टूबर के बाद कोई ट्रांसपोर्ट तो नहीं बढ़ गया, कोई गाड़ियां तो अचानक 25 अक्टूबर को रातों रात इतनी गाड़ियां तो नहीं आ गई, रातों रात इंडस्ट्री तो नहीं खुल गई, रातों रात डस्ट तो नहीं आई, कोई आंधी वांधी तो नहीं आई। तो हर साल यही होता है, 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ता है और दिल्ली के पॉल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है। अरविंद केजरीवाल का ये जवाब इसलिए था क्योंकि एक दिन पहले ही पंजाब ने दिल्ली को एक हैरान करने वाली चुनौती दी थी। चुनौती ये कि दिल्ली सरकार ये साबित करके दिखाए कि दिल्ली के प्रदूषण के पीछे पंजाब जिम्मेदार है। पंजाब ने यह दावा जरूर किया कि पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल से कम हुई हैं। लेकिन पंजाब भी ये मान रहा है कि पराली का जलना बंद नहीं हुआ है। झगड़ा बस इस बात को लेकर है कि पंजाब की पराली दिल्ली की हवा खराब कर रही है या नहीं। जो पराली हम कह रहे हैं कि हम बंद कर रहे हैं उसका प्रदूषण हम दिल्ली तक कैसे लेके जा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। विज्ञान के आधार पर धुआं या गैस पंजाब से दिल्ली तक पहुंचने के लिए हवा की दिशा और हवा की रफ्तार सबसे अहम है, लेकिन दावा किया गया कि दोनों ही दिल्ली के दावे को कमजोर करती हैं। डायरेक्शन जो आजकल वेस्टर्न विंड्स हैं तो आई थिंक तो कैसे पंजाब उनके कारण दिल्ली के में प्रदूषण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एयर स्पीड पिछले 10 दिन में 2 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ी नहीं, यानी दिल्ली की हवा खराब होने की वजह केवल दिल्ली और एनसीआर में ही मौजूद हो सकती है, जिसे सुनने के लिए दिल्ली की सरकार कतई तैयार नहीं है। हालांकि जानकारों की राय में दिल्ली की हवा के अचानक खराब होने की वजह मानसून के खत्म होने के बाद का मौसम है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में हवाओं की रफ्तार बेहद कम हो जाती है। तापमान गिरने की वजह से हवाओं में हल्की नमी भी होती है, इसलिए जमीन से उठने वाले प्रदूषण के कण हवा में नमी के साथ चिपक जाते हैं और लंबे वक्त तक हवा में ही टिके रहते हैं। यही वो धुआं है जो कोहरे या धुंध जैसा दिखाई देता है, जिसे स्मॉग भी कहा जाता है। ये और ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि धरती का वायुमंडल यानी धरती के चारों तरफ का हिस्सा जिसमें अलग अलग तरह की गैसें और हवाएं मौजूद होती हैं वो सिकुड़ जाता है, इसलिए प्रदूषण के कण ज्यादा नीचे हो जाते हैं और जमीन के ज्यादा करीब जमा हो जाते हैं, जिसका इलाज तभी मुमकिन है जब या तो हवाएं तेज चलने लगे या फिर बारिश हो। दोनों में कोई भी सूरत आने वाले कुछ दिनों में बनती नहीं दिख रही, इसीलिए हर साल की तरह कई राज्यों की सरकारों के साथ केंद्र सरकार ने प्रदूषण कम करने पर माथापच्ची शुरू कर दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कई राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को बुलाया था। बैठक वक्त पर शुरू हुई लेकिन केवल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ही पहुंचे, बाकी राज्यों के मंत्रियों ने अपनी जगह पर अफसरों को बैठक में भेज दिया। हरियाणा के मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए क्या? उनको इस मीटिंग में नहीं आना चाहिए था क्या? गाजियाबाद में, नोएडा में पॉल्यूशन नहीं है, बागपत में पॉल्यूशन नहीं है, उसी स्तर पर उससे ज्यादा पॉल्यूशन है, उनको भी आना चाहिए था मीटिंग में, जूनियर स्तर के अधिकारियों के बैच। इसी से सीरियसनेस पता चलती है इनकी। दिल्ली में GRAP को भी लागू कर दिया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार को प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। वी होप कि आने वाले समय के अंदर वील हैव ए बेटर दिवाली। लेकिन सरकारों का ये एक्शन तब शुरू हुआ जब प्रदूषण से दिल्ली वालों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया, और यही कदम अगर पहले उठा लिए गए होते तो शायद हालात बेकाबू नहीं होते। दिल्ली में गुरुवार को भी धुएं वाले कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर हो रहा है जो सुबह की सैर के लिए घर से निकलते हैं। प्रदूषण की वजह से सुबह घर से निकलने वालों की गिनती काफी कम हो गई है। हमारे पास में डेली 40 से 50 लोग साइकिलिंग राइड पे आते थे, आज हम सिर्फ 2 हैं या फिर 3 हैं ज्यादा ज्यादा।
आज से मैं देख रहा हूँ सुबह से 2-3 और एक्स्ट्रा से आएंगे सिर्फ पोल्यूशन के रीजन से। धुएं की वजह से दिल्ली के लोगों को आंखों में जलन, सिर में दर्द और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगर हम माने तो ये धुंध और ये एयर क्वालिटी और गिरने वाली है आगे के कुछ दिनों में। दिल्ली में शाम को भी लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही। शाम 7 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर AQI का लेवल 487 था। दिल्ली के मुंडका में भी AQI का स्तर 466 रिकॉर्ड किया गया। शाम 7 बजे शाहदरा में AQI का लेवल 438 रिकॉर्ड किया गया। सोनिया विहार में AQI का लेवल 420 पर पहुंच गया। अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 रिकॉर्ड किया गया। इसी वक्त द्वारका में AQI का स्तर 412 था। तो दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। वार पलटवार तो हो ही रहा है, नेता लोगों की हमदर्दी बटोरने की कोशिश में भी लगे हैं। इसी कोशिश में बीजेपी नेता विजय गोयल और आम आदमी पार्टी में रहे कपिल मिश्रा दिल्ली के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। चेहरे पर मास्क लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि हवा सांस लेने लायक नहीं है। कोई इमरजेंसी तक कोर्ट को उठाने पड़े, कोई ऑर्डर देने पड़े तो वो भी किए जाए। सरकार अब कुछ नहीं कर पा रही और मेरे को लगता है शायद दिल्ली पहली ऐसी सरकार होनी चाहिए जो स्वास्थ्य के कारणों से बर्खास्त होनी चाहिए। ये आज क्यों जाग रहे हैं, इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं कदम उठाए? 3 साल हो गए उस ऑड-इवन को, इसका मतलब है तब से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ गौतम गंभीर ने भी निशाना साधा। गौतम गंभीर ने हालात को दिल्ली के लिए शर्मनाक बताया। बाहर भागने नहीं जा सकते, आप खेल नहीं सकते, आप दिस इज योर व्हाटएवर एग्जीबिशन टू द एंटायर वर्ल्ड की जब आप के प्लेयर्स यहाँ पर स्पोर्ट्समैन यहाँ पर मास्क पहन के खेलते हैं। आई थिंक वी ऑल शुड बी अशेम्ड ऑफ इट एंड द पार्टी व्हिच इज इन पावर हैज टू टेक द ब्लंट। हालांकि मेट्रो ने भी कदम उठाए हैं ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। अलग अलग रूट पर दिल्ली मेट्रो के फेरों की गिनती बढ़ाकर 4,831 कर दी गई है। ये मेट्रो के फेरों की अब तक की सबसे बड़ी गिनती है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो में अलग अलग रूट पर कुल 21 ट्रेन बढ़ाई गई। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने के लिए 1 नवंबर से ग्रैप यानी ग्रिडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है जो कि हवा को प्रदूषित करने वाले PM2.5 और PM10 पर पूरी तरीके से नजर रखेगी। भारत से अलग दुनिया के कुछ देशों ने भी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खास इंतजाम किए, जिनमें फ्रांस की राजधानी पेरिस में ज्यादा से ज्यादा बाइक और कार शेयरिंग को बढ़ावा दिया गया और बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकारी वाहनों में यात्रा करना मुफ्त किया गया। वहीं जर्मनी के फ्राइबर्ग में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कार की जगह साइकिल का इस्तेमाल करने वालों को सरकारी वाहनों के किराए में छूट दी गई और कार रखने वाले लोगों से गाड़ी खड़ी करने के एवज में भारी रकम वसूली गई। डेनमार्क के कोपेनहेगन को 2025 तक कार्बन मुक्त बनाने के अभियान में 4 पहिया गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया गया। वहीं चीन के बीजिंग में मशीनों में कोयले की जगह बिजली और गैस के इस्तेमाल से PM2.5 में 54% की कमी दर्ज की गई, जबकि ब्राजील के क्यूटिबा शहर में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे सस्ता किराया होने की वजह से 70% जनता सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करती है।